जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 31 में नेत्र उत्सव के साथ शुरू हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। उत्कल सांस्कृतिक संघ जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 31 में नेत्र उत्सव के दौरान पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण सहित संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की। 15 दिनों के एकांतवास से बाहर आए प्रभु जगन्नाथ के अलौकिक नव यौवन रूप के दर्शन भी हुए। हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी बलराम सुधीर ध्यान कीजिए। नव यौवन दर्शन। मैं उत्कल सांस्कृतिक संघ की तरफ से कर्ता के रूप में आज नेत्र उत्सव पालन किया गया। भोले भगवान 108 घड़ा पानी नहा के बुखार में थे, आज भगवान ने अपना दर्शन नया जीवन के हिसाब से नौजवान के दर्शन दिए और इसके बाद उन्होंने गुंडीचा रथ में बैठे के गुंडीचा मंदिर में जाएंगे, वहां भक्तों को दर्शन देंगे। रथ के ऊपर सारे लोगों को दर्शन मिलेगा, कुछ कोई भी धर्म कोई भी जाति हो सब जाति के लोग को दर्शन देंगे भगवान रथ के ऊपर। आज जो है नेत्र उत्सव था, भगवान 14 दिन बुखार को उतरने के बाद उन्होंने अपना चक्षु जो है पूजा कराया गया, चक्षुदान रूप में नेत्र उत्सव का पालन किया गया। जगन्नाथ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो उत्सव है इतना अद्भुत है कि हमारे जगन्नाथ जी आज 14 दिन, जिसको हम आज के युग में एक क्वारंटाइन टाइम कहते हैं, हमारे जगन्नाथ जी आज अस्वस्थ लीला को समाप्त करते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आज जो इतना अद्भुत जो सुबह जो एक ध्वजा जो आज के दिन दोबारा चढ़ाया जाता है, आज से एक नव युवन का भी जन्म होता है। मीन्स हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वो स्वस्थ लीला से बाहर आए और अपने भक्तों को उन्होंने आज खुलकर दर्शन दिए, जिसमें आज जगन्नाथ जी को आँख में, जैसे कि हम छोटे बच्चे को जिस प्रकार नज़र से बचाने के लिए काजल लगाते हैं, उसी प्रकार हमारे जो नौना है जिन्हें पंडित कहा जाता है, पंडित जी को नौना कहते हैं उड़िया भाषा में, उनकी आज आँख में जगन्नाथ जी के काजल लगाकर नेत्र उत्सव का आज का ये उत्सव हम सब बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप सब से भी यही प्रार्थना है, आप सब भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आएँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारा नेत्रोत्सव है, नेत्रोत्सव क्यों मना जाता उसका भी एक रीज़न है। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा मैया जी 108 कलश में नहाए थे, उसकी वजह से 14 दिन तक अंदर बैठे हुए थे, उनको गुखार हुआ था। आज के बाद वो दर्शन सबको दे रहे, इसीलिए दे रहे कि गुखार के बाद जब नेत्रोत्सव मनाया था, नवजवन रूप से धारण देते धरती में, सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकले हुए हैं। इसलिए नवजवन दर्शन की तरफ से, उत्कल सांस्कृतिक संघ की तरफ से हम सारे भक्तों को इन्विटेशन कार्ड दिए थे, आज निमंत्रण दिए थे कि यहाँ आओ, नवदर्शन जवन दर्शन करो, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी को दर्शन करके यहाँ अपना सुवल्य सुख शांति का नेत्र उत्सव की पालन करो। और यहाँ पे जो हमारा पूजा पाठ की रीतिमत के हिसाब से, उत्कल सांस्कृतिक संघ की तरफ से जो भी रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से हमने पालन किए, आज बाकी उसकी वजह से
पूजा के पाठ जो भी जैसे होना चाहिए वो हो गया। उसके बाद प्रसाद सबने भी रखा गया, सारे भक्त के लिए आनंद बाजार भी रखा गया। काल के बाद आज के बाद भगवान जी काल रेस्ट करेंगे, उसके बाद परसों जो है 1 जुलाई से रथ में विजय करेंगे। पूरा देश जो है, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड में भ्रमण करने के लिए जाएंगे, सारे भक्तों को दर्शन करने के लिए घूमेंगे।